हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। देर इज़ अ बिग अपडेट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो गया है फॉर द पीजी प्रोग्राम। और अगर हम और डीप में जाएँ तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग लिस्ट भी आ गया है। फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन लिस्ट जो है वो आ चुका है सभी के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है। आज सुबह इन्होंने एक जो लिस्ट रिलीज करी थी वो कंप्रेसिव प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट थी, बट अब एक फर्स्ट काउंसलिंग की, क्योंकि अगर मैं इस लिस्ट को ओपन करती हूँ तो इस लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मेंशन है। लाइक मैंने एमएससी केमिस्ट्री के लिए किया, सो एमएससी केमिस्ट्री में यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स के नेम थे। अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि लिस्ट में तो नाम है। अब अगर देखा जाए तो लिस्ट में तो जिसके 10 नंबर भी हैं ओबीसी में उसका नाम भी आ रहा है। बट फिर यहाँ पर एक फाइनल काउंसलिंग लिस्ट आती है कि भाई फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट कौन है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो है मेरी फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन लिस्ट। लाइक मैं इसे ओपन करती हूँ, फिलहाल इसमें इतने सब्जेक्ट का आया, धीरे धीरे सभी ऐड हो जाएंगे, राइट। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैंने इसे क्या कर दिया, ओपन। ओपन करने के बाद आपके पास ये लिस्ट आती है, ये वो स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए। आपको पता है अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 20 सीटें, जर्नल में 20 सीटें। अब जर्नल के अंदर पीडब्ल्यूडी रिवाइज में 102 नंबर, नेहा अग्रवाल, उसके बाद नीलम पांडे, वन ऑफ माई स्टूडेंट 229, जिनसे आज ही मेरी बात हुई है, और इनको एडमिशन ही नहीं लेना, ये तो बीएचयू के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है। इनसे मेरी आज ही कॉल पर बात हुई है, तो इसने बताया कि मैम मुझे तो बीएचयू में जाना है, यहाँ पर मैं नहीं ले रही हूँ। तो ऑब्वियसली पहली सीट तो गई, यानी 20 में से 19 सीटें तो अपने पास, मतलब 19 सीटें, मतलब बाकियों से मेरी इतना मुझे पता भी नहीं है, मैसेज आते जाते रहते हैं, बट इससे मेरी पर्सनली बात होती है नीलम पांडे से। तो इसी तरह से ना बहुत सारी सीट वैकेंट रह जाएंगी। अगर यहाँ 20 सीट्स मेंशन है ना, तो 20 सीट में से ना देखना 15-16 फील होंगी, आधे से ज़्यादा तो वैकेंट हो जाएंगी। जैसे 229 वाले का बीएचयू हो सकता है, आराम से हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ओबीसी के अंदर मैं बात करूँ तो ये ओबीसी की फाइनलाइज लिस्ट आई है जो कि 176 पर आ गई। अब ये जो 190 वाला है, इसका एचयू बनने का चांसेस है, तो मे बी ये जो शुभम सैनी है ये एचयू की तरफ जाए, ये किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाए, तो यहाँ पे भी मेरे अकॉर्डिंगली 13 में से 10 सीटें भर जाएंगी, 2-3 खाली रह जाएंगी, तो अगला नंबर तैयार हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में जिसका होगा। और वो लिस्ट कहाँ से दिख जाएगी, शायद अभी तो करी थी मैंने डाउनलोड, ये वाली लिस्ट। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि भाई देखो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये 229 था, 224 था, ऐसे ऐसे करके आप देख लो कि भाई अगर 20 सीटें चली गई तो अगली सीट नंबर यहाँ से आ जाएगी। एससी वालों के पास 8 सीटें, 8 सीटों में से ये हैं। अब इनमें से देखते हैं ये कितने लेने वाले हैं। ऐसे ही एसटी वालों के लिए, एसटी की कट ऑफ देखना 101 पे गई है भाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ही एससी की कट ऑफ 101 पे गई है, ईडब्ल्यूएस की 181 पर गई है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था। मैंने लिटरली ऐसा ही बोला था, एससी वाले 139, ठीक है। ओबीसी वालों को बोला था कि भाई अगर आपके 170 से ज़्यादा नंबर है तो अप्लाई कर देना, हो जाएगा आपका। अच्छा, अब अगली जो लिस्ट आएगी ना, ये तो फर्स्ट काउंसलिंग है, जो अगली आएगी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, इतना बड़ा मार्जिन नहीं होगा। जैसे 193 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक पहुँच जाएंगे, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, ठीक है। 180 में मैंने ज़्यादा बोल दिया, बहुत ही रेयर, मतलब 4 या 5 नंबरों का होता है, मैंने तो ज़्यादा ही बोल दिया लिटरली, 85 तक हो जाएगा, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, ठीक है। तो ये तो बात रही। अब इस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया ना, वो यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो अपनी फीस एडमिशन की पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे पहले पढ़ लेते हैं। द मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल, सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द एलिजिबिलिटी। आपको 14 अक्टूबर तक ये सारा क्या करना है, फीस को डिपॉजिट करना है। ये तो नोटिस मुझे यहाँ पर भी देखा हुआ है मैंने, ये तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही पहली लिस्ट आती है 11 तारीख को, आज 11 तारीख है, तो आपका फर्स्ट राउंड का जो फीस है वो 14 तारीख तक आपको फिल कर देना है, और 17 को वैकेंट सीट दिख जाएंगी यहाँ पे कि 5 सीटें खाली हैं, 6 सीटें खाली हैं, फिर वो दूसरी लिस्ट आ जाएगी तो अगला काम हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि अगर फिर भी खाली रह जाती है तो 27 अक्टूबर को यहाँ पे फाइनलाइज हमारा वैकेंट सीट हो जाएगा, ओपन काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं। और ये कैसी होती है, एक फिजिकल काउंसलिंग होती है, मतलब आपको सीधा महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाना होगा, वहाँ पे जो आएगा उसको सीट मिल जाएगी अगर उसका लिस्ट में नाम होगा। वेल, ये तो बात हो गई हमारी।
अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये मेरा एडमिशन के रूल्स थे, ये एडमिशन की बातें जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब आप अपना एज का क्राइटेरिया देख लेना, हर एक रिलैक्सेशन था एज के लिए कितना परसेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, ये सारा पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है कितना फीस होगा। अब कुल मिलाकर बात आती है यहाँ पर हमारे, ये हो गया कंफर्म दैट, एक सेकेंड, ये रहा, ये फर्स्ट एडमिशन वाला हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अपना रजिस्टर ईमेल आईडी डालूंगी, पासवर्ड डालूंगी, ये वाला कोड डालूंगी, लॉगिन कर दूंगी। मैं जैसे ही लॉगिन करूंगी मेरे पास एक नोटिस आएगा, नोटिस क्या, मेरे पास एक ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन होगा क्या बोलते हैं उसे, पेमेंट फी का, तो आप वहां से अपनी पेमेंट फी कर दो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं होल्ड करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं एडमिशन लेना है, मुझे तो अभी राजस्थान की भी कट ऑफ देखनी है, मैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो अगर देखा जाए तो आप होल्ड कर दो। अगर आप एडमिशन 15 दिन के, आपने फीस तो जमा करा देनी है, नो डाउट आप अपनी फीस जमा करा दोगे, फीस जमा कराने के बाद अगर आप 8 या 7 दिन के अंदर इन्हें कह देते हो कि नहीं हमें यहाँ पर एडमिशन लेना, 7-8 दिन के अंदर अंदर, तो आपकी फीस पूरी रिफंड हो जाती है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, अगर आपने मेरे चैनल पर जो मैंने कल एक रात वीडियो अपलोड करी थी, इस वीडियो को हर बच्चा देखना, मैंने CUT PG का एडमिशन फी रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देम एक और पॉइंट रहता है कि मैम मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे इसने लिखा है मैम जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया उनकी एडमिशन हो जाएगी, मेरा भी है लिस्ट में, क्या मैं फ़ी पे करने चलूँ। बच्चे पे फी पे वो करता है जिसके पास लॉगिन करने के बाद, कहाँ है ये पोर्टल मेरा, जब हम लॉगिन करने के बाद वहाँ ऑप्शन आता है कि हाँ आप पेमेंट फ़ी कर सकते हो, तो यानी कि आपका एडमिशन में वहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं इसी वीडियो के मैं कमेंट देखना चाहती हूँ हरियाणा वाले के, ये जो आज की मैंने वीडियो अपलोड करी है ना, ये देखो मैम, अच्छा ये तो माइक्रोबायोलॉजी का, देखो धीरे धीरे यहाँ पे ये जैसे ये था मैम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ फिजिकल जाना जरूरी है क्या, ऑनलाइन नहीं होता? नहीं बच्चे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको सेंटर पर जाकर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बता कहता है प्लीज़ एक डिटेल वीडियो बनाइए, अब क्या करना होगा, वही बता रही हूँ इस वीडियो में, मैं यही बता रही हूँ कि अब क्या करना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपना पोर्टल ओपन करो, ईमेल एड्रेस डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन करो और अपना फी का पेमेंट कर दो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर होल्ड करना है, होल्ड का ऐसा ऑप्शन नहीं होता, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी HU का देखना है तो HU के लिए रुक जाओ, जिसके लिए भी रुकना है, बस देख लेना कि थोड़ा ना कट होता रहता है, पहले पहले अगर 7 दिन में फीस को आप कह दोगे एडमिशन कैंसिल का, तो 7 दिन में 100%, पर टाइम लगता है रिफंड पॉलिसी में, याद रखना, ऐसा नहीं है कि आज ही आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, टाइम लगता है, एक एक महीना हो जाता है, एक एक महीने से भी ऊपर टाइम हो जाता है रिफंड पॉलिसी का। और रिफंड के लिए भी ना पहले कॉन्टैक्ट करके इनसे पूछ लो, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट अस दे रखा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, यहाँ पे नीचे होता है ये रहा, इनको कॉल करके पूछ लो कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू मी मैंने तो वैसे आपको सारी चीज़ें बता दी है, कैसी यूनिवर्सिटी है ये सब यहाँ पर मेंशन है, और अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये हमारी कट ऑफ है, इससे आइडिया भी लग रहा है कि कितना कितना मार्क्स है, कहाँ कहाँ पर जाने वाली हैं चीज़ें हमारी, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। सो ये वीडियो बनाने का मेन पॉइंट मेरा यही था। और डॉक्यूमेंट्स की बात है तो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लो, जिनका अंडरटेकिंग दे रखा है उनको तो वो भी नहीं चेक करेंगे, वो देखेंगे जो आपने अपलोड करे थे ना, जैसे लिख रखा है इस बच्चे ने कि मैम जो सब्जेक्ट चाहिए था एक मार्क्स से रह गया, ऐसा नहीं है रह गया, अभी अगली लिस्ट भी आएगी उसमें हो जाएगा, है ना। ये देखो इसमें बता दिया दीपांशु शर्मा ने कि गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाने में 5 मिनट का टाइम लगता है, ये बता रखा है कहाँ पे, ठीक है, तो ये देख लेना दीपांशु शर्मा। ओके ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, मेरे मेन तो यही था कि मैं आपके ये वाले डाउट क्लियर कर दूं। तो अगर जो भी आपका डाउट होगा फिर भी, जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए पर्टिकुलर, किसी और के लिए मत पूछना, पर्टिकुलर हरियाणा में अप्लाई करते हो, आपको जो भी क्वेरीज है आप मुझे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का सबसे पहले अपडेट आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल दे रहा है। अकॉर्डिंग टू मी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल पर मिल जाती है नोटिफिकेशन, और टाइम भी देखो कितना कम होता है, हमें कितने दिन दे रखे हैं उन्होंने, सिर्फ 2 दिन 3 दिन दे रखे हैं। अब अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होगा तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आके चली भी जाएगी डेट, तो बेहतरी यही है कि आपकी सब्सक्राइब कर लो फिलहाल,
जब तक आपको ज़रूरत है तब तक तो सब्सक्राइब करें, बॉन्ड बनाइए अलियम केमिस्ट्री चैनल के साथ, और सपोर्ट करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।